माँ देवी के भक्तों, आप सभी को जय माता की। माँ शैलपुत्री देवी माँ भगवती का पहला स्वरूप है। माँ शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। माँ शैलपुत्री माता सती का ही रूप है। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ शैलपुत्री की आराधना से चेतना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री मानव के मन पर अधिपत्य रखती हैं। इनकी आराधना करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ की कृपा से जीवन में दुख, दरिद्रता, कलह और निर्धनता कभी नहीं होती। सहज भाव से भी पूजन करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। माँ देवी की उपासना में साधक अपने मन को एकाग्रचित कर मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। माँ शैलपुत्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवी माँ भगवती का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमय रूप वाली, दो भुजाओं वाली माँ कौमारी ब्रह्मचारिणी शक्ति का स्थान देहधारियों में स्वाधिष्ठान चक्र है। माँ ब्रह्मचारिणी बाएं हाथ में कमंडल और अपने दाहिने हाथ में चंदन की माला धारण करती है। माँ को श्वेत रंग अति प्रिय है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी अन्य देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। इनकी कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सौम्य लक्ष्मी का वास होता है और सदैव सुख शांति बनी रहती है। विद्यार्थियों के लिए इनकी आराधना करना अति लाभप्रद होता है। माँ ब्रह्मचारिणी मोक्ष प्रदान करती है। ब्रह्मचर्ययुतम शीलम यस्याः सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे वे ही माँ ब्रह्मचारिणी है। सत चित्त आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव है। इनकी साधना करते समय साधक अपने मन को माँ के श्री चरणों में एकाग्रचित कर स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। माँ का यह रूप अत्यंत सुंदर, मोहक और अलौकिक है। माँ के इस स्वरूप में दिव्य सुगंध और दिव्य ध्वनियां निकलती हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। 10 भुजाओं वाली देवी माँ चंद्र घंटा बाघ पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान होती हैं। माँ अपने 10 हाथों में, एक में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक हाथ में तलवार, एक में धनुष और एक हाथ में बाण धारण करती हैं।
इनका एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माँ देवी रत्न जड़ित आभूषण और गले में सफेद पुष्पों की माला धारण करती हैं। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। सूर्य के समान तेज वाली माँ का मुखमंडल शांत, सात्विक और सौम्य है। देवी माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, प्रेत बाधाओं से भी सुरक्षा मिलती है। माँ के प्रचंड घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर लाल पुष्पों से माँ की आराधना करनी चाहिए। देहधारियों में माँ के इस रूप का स्थान मणिपुर चक्र है। साधक अपना ध्यान एकाग्रचित करके मणिपुर चक्र में केंद्रित करता है। माँ अपने सच्चे और एकाग्र भक्तों को शीघ्र फल प्रदान कर उनके कष्टों का निवारण तुरंत करती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ देवी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज माँ कुष्मांडा की छाया है। माँ देवी का यही अजन्मा और आदिशक्ति रूप है, ये ही सृष्टि और आदिशक्ति है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा, अमृत कलश और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। माँ का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दैदिप्यमान है। इनके प्रकाश और तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ की भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। जीवन के समस्त शोक समाप्त हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। प्रसन्न होने पर सिद्धियों तथा निधियों को भी प्रदान कर देती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से साधक का अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। माँ कुष्मांडा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना होती है। माँ स्कंद माता भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता है। माँ देवी का यह रूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का समागम है। माँ कमल पुष्प के आसन पर विराजमान होती है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता सिंह की सवारी करती है। माँ स्कंद माता 4 भुजा धारणी है। नीचे वाली 2 भुजाओं में कमल पुष्प सुशोभित है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा तथा दाहिने ओर की ऊपर वाली भुजा से अपनी गोद में विराजमान कार्तिकेय जी को संभाले हुए हैं।
मां स्कंद माता निर्मल कांति वाली श्वेत वर्ण की है। मां का यह वात्सल्य विग्रह स्वरूप है, अतः मां देवी कोई शस्त्र धारण नहीं करती है। मां स्कंद माता साधक को ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करने, उचित कर्मों द्वारा सफलता तथा सिद्धि प्रदान करती है। इनकी आराधना करने से साधक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। इनकी उपासना से परम शांति सुख की प्राप्ति होती है तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ को पीला रंग अति प्रिय है। इनके पूजन में पीले रंग के पुष्प, पीला वस्त्र तथा पीले रंग के खाद्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए। इस दिन साधक अपने मन को विशुद्ध चक्र में एकाग्रचित करते हैं। सिंहासन गदा नित्यं पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। सिंहासन गदा नित्यं पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। नवरात्रि के छठे दिन माँ देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। समस्त भयों का नाश करने वाली, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली, रोग शोक और संताप को दूर करने वाली, धर्म अर्थ कर मोक्ष आदि को प्रदान करने वाली माँ कात्यायनी स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्न आभूषणों से अलंकृत है। माँ देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। माँ देवी की दाहिने ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास खड़क धारण करती हैं तथा नीचे वाली भुजा में कमल का फूल शोभा पाता है। माँ की उपासना करने से साधक को परम पद की प्राप्ति होती है, तेज में वृद्धि होती है, इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को प्राप्त करता है। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए अविवाहित युवक युवतियों को माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। शुक्र ग्रह की प्रतिकूलता को समाप्त कर शुभता प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को लाल रंग अति प्रिय है। लाल कनेर, गुड़हल, लाल गुलाब, लाल कमल अर्पित कर माँ की पूजा करनी चाहिए। प्राणियों में इनका वास स्थान आज्ञा चक्र में होता है। इस दिन साधक अपना ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र, चंद्रहासो ज्वल करा शार्दुलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दध्युतिवी दानवो घातिनी। चंद्रहासो ज्वल करा शार्दुलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दध्युतिवी दानवो घातिनी। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्टों का संहार करने वाली, नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करने वाली सातवीं दुर्गा का नाम है माँ कालरात्रि। नवरात्र के सातवें दिन माँ के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि घने अंधेरे के समान गहरे काले रंग वाली, सिर के बाल बिखरे रखने वाली हैं। माँ के तीन नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं तथा चार भुजाएं हैं। माँ चार भुजाओं में से दो भुजाओं में शस्त्र धारण करती हैं। एक भुजा अभय मुद्रा तथा एक वर मुद्रा में रहता है। माँ का ऊपरी तन लाल रक्त से सना हुआ है तथा नीचे का आधा भाग
बाघ चर्म से ढका रहता है। इनके श्वास से अग्नि निकलती रहती है। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली श्वेत रंग की माला सुशोभित रहती है। माँ का वाहन गधा है। माँ देवी का काल रात्रि स्वरूप अत्यंत भयानक है, परंतु माँ अपने भक्तों को सदैव शुभ फल ही देती हैं। भक्तों को सदा शुभ फल देने वाले गुण के कारण माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ ऊपर से भयानक किंतु भीतर से स्नेह का भंडार है। जिन वस्तुओं और प्राणियों से जीव दूर भागता है वही माँ कालरात्रि को प्रिय है। इस दिन माँ कालरात्रि को स्मरण करके अपने मन को सहस्त्रार चक्र में केंद्रित करना चाहिए। चुनरी पहनकर रंग बिरंगे पुष्पों से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना से प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अग्नि, जल, जंतु तथा शत्रु आदि के भय से मुक्ति मिलती है तथा सभी पापों का नाश होता है। माँ अपने भक्तों को सदैव सुरक्षा प्रदान करती है। माँ कालरात्रि का मंत्र भीम क्लीम चामुंडाय विद्महे कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम कालरात्रि देवे नमः। सुख संपदा की प्रदाता माँ महागौरी आदि शक्ति माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप है। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माँ महागौरी कंद फूल, चंद्र तथा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौर वर्ण वाली हैं। उनके समस्त वस्त्र आभूषण और उनका वाहन बैल भी हिम के समान सफेद रंग वाला है। माँ चार भुजा धारणी है। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी की अति सौंदर्यवान, शांत, करुणामय स्वरूप भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। माँ महागौरी अपने भक्तों को तुरंत अमोघ फल प्रदान करती है। जीवन से पाप, संताप, निर्धनता, दीनता और दुख का अंत हो जाता है। माँ की कृपा से साधक पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ की कृपा से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की आराधना से शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के रोग, शोक व्याधि आदि का अंत हो जाता है। मार्ग में भटकता हुआ मनुष्य सन्मार्ग पर आ जाता है। माँ महागौरी की पूजा से विवाहित महिलाओं को विशेष फल की प्राप्ति होती है। महिलाओं को अपने सुहाग और सुख संपदा के लिए माँ को चुनरी भेंट करनी चाहिए। माँ को श्वेत रंग अति प्रिय है, इसीलिए उनको सफेद पुष्प जैसे बेला, चमेली आदि अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना से हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत होता है। माँ महागौरी का मंत्र श्वेत हस्ती समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचिः महागौरी शुभम ददात् महादेव प्रमोददा। श्वेत हस्ती समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा सुचि महागौरी शुभम ददात् महादेव प्रमोददा। देवी माँ भगवती दुर्गा का नौवा शक्ति स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। नवरात्रि में नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ देवी चतुर्भुज और सिंह वाहिनी है। गति के समय वह सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं।
माँ सिद्धिदात्री दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र तथा ऊपर वाले हाथ में गदा धारण करती हैं। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प शोभा पाता है। माँ देवी ने अपना सिद्धिदात्री स्वरूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी लौकिक तथा परलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त सांसारिक इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती हैं। नवरात्र के अंतिम दिन साधक यदि पूरी एकाग्रता एवं निष्ठा से इनकी विधिवत पूजा करे तो देवी माँ प्रसन्न होने पर ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर कहलाए। इस तिथि को विशेष हवन करने का विधान है। माँ देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे नमो नमः से 108 बार हवि देनी चाहिए। नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्र का विधि पूर्वक समापन करने वाले भक्तों को देवी माँ भगवती की कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। अर्थात माँ सिद्धिदात्री के रूप में सर्वत्र विराजमान एवं प्रसिद्ध हे माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। प्रेम से बोलिए जय माता की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।